नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज, चंदन स्वामी के साथ। आज की बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से आई है। दिल्ली में राजनीति समीकरणों में बड़ी तब्दीली आई है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से वोटर भी है, इस बार अपनी ही पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे। इसका मुख्य कारण है दिल्ली में हो रहे सियासी समीकरण। कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने नई दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। इस बार जहां दिल्ली में भाजपा ने वासुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है। यह राजनीतिक समीकरण है या कांग्रेस पार्टी के लिए कठिनाई का साधन? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी ही राजनीति में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 1952 से 2009 के बीच में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस 7 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस बार का समीकरण नए रूप में उभर रहा है। यह भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज़ इंडिया दरबार पर। नमस्कार।